हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन। गाइस, सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 7। बच्चों, इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि हम इंटेंसिटी अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे तो कितनी आएगी। अगर आप भूल चुके हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इन शॉर्ट तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द एनर्जी एट यू फील्ड बाई यूनिट मास, मतलब जो यूनिट मास होता है वो कितनी एनर्जी फील करता है एट गिवन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब यूनिट मास के द्वारा पजेस की जाने वाली एनर्जी, द एनर्जी पजेस बाई यूनिट मास। ओके, और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ रही थी बच्चों, माइनस जी एम अपॉन, यदि आप अर्थ के सरफेस की बात कर रहे थे तो कैपिटल आर, और अगर आप रैंडम किसी पॉइंट की बात कर रहे थे, है ना, अगर एम मास से आर डिस्टेंस पर आप बात कर रहे थे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों, ये आ रही थी जी एम अपॉन स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये बाउंडेड होता है। क्या होता है? बाउंडेड, मतलब ये गुलामी वाली ऊर्जा है, और जो भी गुलामी की एनर्जी होती है, भले ही पोटेंशियल मतलब पर्मिटिव मास, यहां पर क्या रखा, यूनिट मास, क्या रखा यहां पर, यूनिट मास, मतलब मास के नाम पर यहां रखा 1 किलोग्राम। क्या है ये? 1 किलोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है। तो उसके जो मास एनर्जी फील करता है, यूनिट मास, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, वी इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। ये कैपिटल एम किसके लिए रहता है बच्चों? सोर्स मास के लिए। किसके लिए रहता है? हाँ, जो अपना फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। आपको एक बात और बता दूं कि आपने इसके पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, जिसे ई भी बोलते हैं, जिसे आई भी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। और यदि वेक्टर लगा देते हैं आप, यदि डायरेक्शन लगा देते हैं, तो क्योंकि ये अंदर की तरफ आती है इसकी डायरेक्शन, तो आप लोग इसको लगा सकते हैं माइनस आर कैप, पीछे की तरफ का यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया? ये सब कुछ क्लियर है ना आप लोगों को? अब इसके बाद मैंने आपको तीन केसेस कराए थे। तीन केस क्या कराए थे मैंने? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकलवाई थी मैंने होलो कंडक्टर की, कंडक्टर नहीं बोलूंगा, होलो स्फेयर की इंटेंसिटी निकलवाई थी, है ना। तो मैंने लिखाया था ई आउटसाइड, ई ऑन और ई इनसाइड, याद आ गया आप लोग को, ई आउटसाइड। फिर इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने बताया था कि इसी हॉलो के लिए वी इनसाइड कितना होगा, वी ऊपर कितना होगा और वी आउटसाइड भी कितना होगा। और यही काम हम लोगों ने सॉलिड के लिए भी किया था, ये तो हॉलो था, बोलो यस और नो। और यही काम अपने किसके लिए किया था? सॉलिड के लिए। तो सॉलिड स्फीयर के लिए बाहर इंटेंसिटी, ऊपर इंटेंसिटी और अंदर भी इंटेंसिटी, और सॉलिड स्फीयर के लिए बाहर आउटसाइड पोटेंशियल, ऑन पोटेंशियल और इनसाइड पोटेंशियल, तीनों डेरिवेशंस मैंने बताए थे। हालांकि मैंने इसको लास्ट वाले को मैंने कहा था कि इसको आपको रटना है, इसको आपको रटना है, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये तो आपको बन जाएंगे। स्फेरिकल वाले आउटसाइड तो आपको याद हो चुके हैं अभी तक, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, सरफेस के ऊपर माइनस जी एम अपॉन आर, इनसाइड द स्फेयर माइनस जी एम अपॉन आर, ये वाला केस तो आपको याद होगा, है ना, आउटसाइड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर सेम होता है, ये भी सेम होता है, बट ये वाला ये नहीं याद होगा आप लोग को। तो इसको धीरे धीरे करके आप याद कर लीजिएगा, अदरवाइज एकेडमिक्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ करने को नहीं आता है, ठीक है ना। फिर भी आगे मैं बता दूंगा कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। यदि बात करते हैं सेंटर की, ये देखिए, तो अब सेंटर में भी ये निकाला गया हमारा, क्या निकाला गया, सेंटर पर निकाला गया है पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू होती माइनस 3/2 जी एम अपॉन आर, जो कि मैक्सिमम हुआ करती सेंटर पर पोटेंशियल, और किसके कारण है ये, सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल, ठीक ना। और रही बात इसकी, तो इसमें तो यूनिफॉर्म होता है, यदि आप इसका देखना चाहें तो क्या होता है, देखिए सेंटर से लेकर के खोखला है, खोखला स्फेरिकल शेल है, सेंटर से लेकर के यहाँ तक क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और कॉन्स्टेंट के बाद इसकी वैल्यू क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और इनफाइनाइट पर इसकी मैक्सिमम होती है जीरो। कितनी होती है? जीरो। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वी इनफाइनाइट इक्वल टू कितना होता है, जीरो, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, जो क्या होता है, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक बार फिर से अपने शब्दों में दिखा देता हूं, ये मास एम रखा हुआ है सोर्स मास, इसके कारण इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होगा वी इनफाइनाइट इक्वल टू कितना होगा बेटा, और जीरो, क्योंकि यही क्या होगा, मैक्सिमम। और जैसे ही आप आते जाएंगे तो यहां पर आपका पोटेंशियल -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इस तरीके से बढ़ते जाएगा और सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो कम हो रहा ना, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल, वी मिनिमम, क्या हो जाएगा, वी मिनिमम, मतलब आप पूरी तरीके से इसकी गुलामी में जकड़ चुके होंगे जो आप सरफेस पे आ चुके हैं। तो क्लियर है?
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला मैंने क्या बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहले आप इसको मेरी भाषा में समझिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मैंने आपको बताया कि अगर यूनिट मास है तो यूनिट मास पर, ये कैपिटल मास है अपना सोर्स मास, इसके कारण यूनिट मास यानी कि 1 किलोग्राम मास पर जो एनर्जी एक्ट होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वी इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, याद आ गया। तो ये क्या है भाई साहब, ये है यूनिट मास की एनर्जी, ये है कि नहीं है, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ यूनिट मास, एनर्जी पजेस बाई यूनिट मास, हाँ या ना, ये यूनिट मास की एनर्जी है। अगर मैं इसकी जगह यूनिट मास की जगह एम स्मॉल मास रख दूं, हाँ या ना, तो अगर 1 किलोग्राम इतनी एनर्जी फील कर रहा है तो एम किलोग्राम कितनी एनर्जी फील करेगा, सो सिंपल, इसमें एम का मल्टीप्लाई करोगे ना, वही यूनिटरी मेथड, 1 केले का दाम 10 रुपए तो 2 केले का दाम 20 रुपए, यस और नो। तो अगर 1 किलोग्राम मास इतनी एनर्जी फील कर रहा है तो भाई m किलोग्राम मास कितनी फील करेगा, माइनस जी कैपिटल m अपॉन r इंटू कितना m स्मॉल m, तो क्या हो गया माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m अपॉन कितना r। एक तो इसको देखने का ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट मास, तो यहां से एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास इंटू पोटेंशियल, तो यहां से मास इंटू पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कितना आर, सरफेस की बात करोगे तो आर, अदरवाइज स्मॉल आर ले लो, तो आंसर कितना हो गया, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर, आ गया समझ में। तो ये है भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना आर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड सिंपल ई मैंने लिखा, बट इसका पूरा नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जी पी ई, क्या होती है ये, जी पी ई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गई मेरी बात, आपको समझ में आ गया है, ओके। अगर आप अर्थ पर आ जाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मेरी बात समझिएगा, अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाते हैं, जनरली आप तो आर स्मॉल आर जो है कम होते 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 होते, एक्चुअली स्मॉल आर क्या होता है, बोलिए आर प्लस एच, क्या होता है, आर प्लस एच, जैसे ये स्मॉल आर है यहाँ तक, तो ये कुछ हाइट है एच है और आप यहाँ तक पहुँच चुके, दिस इज स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच। अगर आप अर्थ की सरफेस पर आ जाते हैं तो एच जीरो हो जाएगा, यस और नो, और आपके पास स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो अर्थ की सरफेस पर देखिए क्या हो जाएगा, अर्थ की सरफेस पर आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी, बोलिए माइनस जी कैपिटल मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम जो बॉडी रखी है अपॉन कितना जी आर, आ गया समझ में। तो ये आपकी लगेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, यस ये हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है, ये एक डेरिवेशन है, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस, इसको आप कह सकते हो ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। चलिए आगे इस पर बात करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें होने वाली हैं। तो अभी एक बार फिर से, उस दिन मैंने कहला कि पढ़ाया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आज एक बार फिर से मैं फोकस करता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आइए देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ करती है। आपके पास ये कोई प्लैनेट है जिसका मास है कैपिटल एम, ये कोई प्लैनेट है जिसका मास है कैपिटल एम, इस प्लैनेट के कारण इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी होगी, जीरो, इन्फिनिटी पर एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब भले ही वहां पर यूनिट मास बैठा हुआ है 1 किलोग्राम, उसको कोई छेड़ने वाला है नहीं, तो कितनी एनर्जी फील कर रहा होगा, जीरो, यस और नो। अब जैसे ही आप इसको फील्ड में लेकर के आएंगे, यहां पर कहीं पर इसका फील्ड स्टार्ट हो रहा है, हाँ ना, ये अभी इन्फिनिटी पर है, बट आपको इसको लेकर के यहां तक आना है, सपोज ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर, ओके। तो आपने इसको यहां पर लेकर के आएंगे, ये आप यहां से यहां तक लेकर के आए, और कंजर्वेटिव फील्ड है तो कैसे भी लेकर के आओ, मतलब किस पे है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो जैसे ही आप फील्ड में आए, यस और नो, तो वैसे ही इस पर फील्ड एक्ट करना शुरू कर देगा, यस और नो। और आप यहां से इसको यहां तक जो लेकर के आ रहे हैं वो ही वर्क जो कहलाएगा, यहां से लेकर के यहां तक आने में करा हुआ काम। अब आप कहोगे सर हम यहां से यहां तक लेकर आने में कोई वर्क करना पड़ेगा, नो, कुछ नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी है और फील्ड क्या है, जीरो है। तो जब तक फील्ड स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक यहां तक का कोई काम नहीं होगा, एक्चुअली काम यहीं से मेजर होगा, बोलो हाँ ना। मगर बच्चों क्या होता है ना, ग्रेविटेशन में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, कोई आसमान में ऐसी जाकर के स्पेस में एक बाउंड्री नहीं बनी है,
कि आपका क्षेत्र यहाँ पे समाप्त होता है, वो तो ग्रेजुअली कम होता जाता है, है ना, तो हमको पता लगना नहीं होता। तो मतलब इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ, सीधी सीधी बात मैं यही कहूँगा कि इन्फिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट तक आने में जो वर्क आप करते हो, वही वर्क क्या है, आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? सो कैसे निकालोगे आप इन्फिनिटी से लेकर के, तो क्या चलोगे आप इन्फिनिटी से लाए हो, बोलो कहाँ तक, आर तक लाए हो, ओके, और एफ इंटू कितना डी एक्स, एफ एल डी आर लगेगा भाई सब, क्योंकि रेडियस के टर्म में बात हो रही है, तो एफ डॉट डी आर को करके आप इसमें रिलेशन निकाल लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू वर्क, ठीक है ना, ये वर्क आ जाएगा। तो ये देखिए वर्क का फॉर्मूला, यू इसको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी से लेकर के आर तक वर्क। देखिए अपने पास एफ कितना था बेटा, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर था कि नहीं था, वर्क यही तो था, जी एम एम अपॉन, सॉरी वर्क नहीं, फोर्स है ना, एफ डॉट डी एक्स यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, सो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ डॉट डी एक्स, तो एफ कितना हमारे पास, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और आप इसको फिर कहाँ से खिसका रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आर तक, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे आप, ये सॉल्व हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनको पता है। सो यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, फाइनल डेरिवेशन ही आ चुका है। मतलब आर डिस्टेंस पर अगर कोई प्लानट कह लो, मास कह लो, जो भी है, अगर बैठा हुआ है, तो उसके द्वारा जो फील की जाने वाली एनर्जी है वो कितनी है, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। एनर्जी निगेटिव भाई साहब, मतलब गुलामी से बंधा हुआ है, गुलामी से, आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम? तो ये है भाई साहब माइनस जी एम एम अपॉन आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव इन द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर हो गया? और ये तो सब कुछ आप जानते ही हैं। हाँ, देन इसके बाद एज डिस्टेंस आर इंक्रीजेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव, दैट इज इंक्रीजेस, बढ़ती जाएगी, और इन्फिनिटी पर कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो, क्योंकि आप देख चुके हैं फॉर्मूला कितना होता है अपने पास सॉल्व करने का, W इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना आर। अगर आप इसको इन्फिनिटी पर अप्रोच कर दोगे तो फिर से फील्ड के बाहर, और फील्ड के बाहर हर प्रकार की एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम, वो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आगे बात समझ में, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यू मैक्स, यू मतलब पोटेंशियल। इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूव पोजीशन r1 टू r2, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, देखो बेटा r1 से r2, तो पहले आप इन्फिनिटी से लेके r आ रहे थे, बट यहां पे क्या चेंज कर दोगे, r1 से लेके r2, क्लियर है? सो r1 से लेके r2, तो डेरिवेशन आपका बन जाएगा माइनस जी एम एम वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, माइनस जी एम एम वन अपॉन आर आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। इसको मैं आपको बता भी सकता हूँ ये कैसे आता, देखिए आपने जो फॉर्मूला निकाला वो कितना निकाला है, आर पोजीशन पर आपने फॉर्मूला निकाला है माइनस जी एम एम अपॉन आर निकाला, हाँ ठीक है, आपने आर पोजीशन पर जो फॉर्मूला निकाला है, ये देखिए प्लानट, ये मास एम है, और इससे आर पोजीशन पर जो आपने फॉर्मूला निकाला है एनर्जी का, वर्क कह लो, एनर्जी कह लो, इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन कितना r। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये पोजीशन है r1, क्या है पोजीशन r1, तो ये पोजीशन हो गई r1, क्लियर है, और ये पोजीशन जब आप यहाँ से यहाँ आ चुके तो ये पोजीशन कितनी है r2, तो u1 है, और ये कितनी है u2, दिस इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन कितना r2, यस ऑर नो। अब हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक चेंज इन एनर्जी कितना हुआ है, तो डेल्टा u, आई कैन से डेल्टा u इज इक्वल टू u2 माइनस कितना बेटा U1, तो U2 की वैल्यू रख दो भाई साहब माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना R2 माइनस, और एक और माइनस भाई साहब माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना R1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये तो प्लस हो गया, तो एक काम करता हूँ मैं G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन लेता हूँ, ले लिया तो वन अपॉन आर वन प्लस में है तो कहाँ जाएगा आगे, और वन अपॉन आर टू कहाँ जाएगा पीछे, आ गया समझ में ना, तो वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये देखिए डेल्टा यू इक्वल टू जी एम एम वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, एनी प्रॉब्लम? और रिलेशन तो मैं बता ही चुका हूँ भाई साहब, रिलेशन बिटवीन यू एंड वी, मतलब पोटेंशियल और उसके बीच में, यू इज इक्वल टू एम इंटू वी, देख लिया ना आपने ने, वी इज इक्वल टू भाई डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू का ही नाम क्या है यू तो है, डब्ल्यू का ही नाम क्या दे रखा है यू, सो वी इज इक्वल टू यू अपॉन एम, सो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम इंटू वी, क्लियर है ना, यू इज इक्वल टू एम इंटू वी, समझ में आया कि नहीं आया, चलिए तो इसको जल्दी से नोट करिए आप थोड़ा सा। ओके गाइस, अब आ रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट पे यार, बहुत ही मस्त वाला कंसेप्ट है,
जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी, जिसका नाम क्या है एस्केप वेलोसिटी। जरा सोचिए आपको कि आप ये अर्थ की प्लैनेट पर बैठे हुए हैं, ओके, अर्थ की प्लैनेट पर आप बैठे हुए हैं, रेस्ट पे हैं, आप गुलामी झेल रहे हैं, तो आप अर्थ की प्लैनेट पे यदि रेस्ट पे हैं तो आपके पास केवल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, यदि मैं बोलूं टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक भाई साहब आप रेस्ट पे हैं मतलब किस पे हैं, जीरो पे हैं, क्योंकि काइनेटिक का हिसाब किताब कितना होता हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप रेस्ट पे हैं, काइनेटिक आपकी जीरो है, और पोटेंशियल के नाम पर आपके पास है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई, है कि नहीं है, अभी तो सिखाया यार, माइनस जी एम एम अपॉन आर, यही तो बताया ना मैंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं चाहता हूं कि आप इस अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से कहां चले जाएं, बिल्कुल बाहर, यस और नो, आप इसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से कहां चले जाएं, बाहर, तो आपको फेंकने के लिए, बाहर उठाकर फेंकने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो, कितनी हो जाए, क्योंकि पता है ना इन्फिनाइट पर एनर्जी कितनी होती है, जीरो, यस और नो, मतलब यदि मुझे कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, मतलब ये मैंने दिया यू आपके पास जो है, हाँ है ना, यू आपके पास है, प्लस मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी है, काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, और इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी है कि टोटल कितना हो जाए, आया समझ में कि नहीं आया, तो भाई यू आपके पास में कितनी है, यू आपके पास है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, है कि नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी मुझे कितनी देनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मास किसको उठाऊंगा मैं, जो रखा हुआ है मेरे ऊपर अर्थ में, अर्थ को तो उठा नहीं लूंगा ना, मुझे किसको एस्केप कराना है भाई, पत्थर को फेंकना है कि अर्थ को फेंकना है, जोर से बोलो, पत्थर को फेंकना है ना, तो पत्थर को फेंकना है तो पत्थर को उठाओगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी किसको दोगे, स्मॉल एम को कि कैपिटल एम को, स्मॉल एम को दोगे, स्मॉल एम वी स्क्वायर, और इतनी एनर्जी दे देनी है, मतलब ये जो है निगेटिव एनर्जी बंधन, ये बंधन प्यार का बंधन है, हाँ है ना, इस बंधन से निपटना है, माया मोक्ष से मुक्ति पानी है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आया समझ में, तो चलो भाई साहब हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाली पार्टी को यहाँ लाओगे वे प्लस हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 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 कितना आर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, बोलिए हाँ है ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम, ओके, और यहाँ पे आर ई तुम बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और टू ऊपर चला गया, चला गया, आप जानते हैं मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, याद है आर ई का स्क्वायर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं जी एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ को, मैं लिख सकता हूं स्मॉल जी और यहां रेडियस ऑफ अर्थ, यस और नो, तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू यहां पे 2 बैठा रहेगा और जी एम अपॉन आर ई ये जो बना है इसको मैं क्या लिखूंगा जी आर ई, यस और नो, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की जगह 2 जी की जगह जी और आर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू आपको पता है, वी की वैल्यू 2 की वैल्यू पता है, 2 पता है, जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड और आर ई रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 और किलोमीटर में 10^3 मीटर, बोलिए हाँ या ना, इसको सबको आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास आता है इसको सॉल्व करने पर 11.7 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आ गई आपकी, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि इतनी जोर से वेलोसिटी आपने दी है कि ये पार्टिकल हमारे ये जो मास रखा था अर्थ पे ये हमारे ग्रेविटेशन जोन को पार करके चला गया और अब कभी वापस आने वाला नहीं है, तो इसको बोलते हैं एस्केप कर गया, क्या कर गया, एस्केप कर गया, तो इसे बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी, दिस इज 11.7 किलोमीटर, नियरली इट इज 12 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर इतनी तबीयत से आपने किसी पत्थर को उछाला कि उसकी स्पीड एक सेकेंड में कितने किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो भाई साहब वो कभी वापस आने वाला नहीं है, कोई दोस्त है ऐसा जिसको आप फेंकना चाहते इतनी जोर से, नहीं है ना, फेंक पाओगे एक सेकंड में 12 किलोमीटर नहीं दे पाएंगे ना, सो इसको वैल्यू सॉल्व करने पर देखिए 11.2, मैंने 11.7 लिख दिया, क्या ज़्यादा लिख दिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 11.2 होता है तो ज़्यादा ही हो गया, सो इसको 11.2 ही रही है, 7 होता है 12 पे चला जाता, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, आई बात समझ में ना, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, वही डेरिवेशन है, एस्केप वेलोसिटी द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप सो एज टू एनेबल इट टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल, इट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, वही फंडा है भाई साहब, वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम सरफेस टू द अर्थ रेडियस आर टू इंफिनिटी, अब देखो भाई साहब ये क्या सीन है, इसको मैंने दूसरे तरीके से कर दिया है,
अर्थ तक लाने में किया गया काम इन्फिनिटी से कितना था? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो वापस ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? इसका अपोजिट बताया भी था मैंने पिछले चैप्टर में कि W इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू। सो माइनस कर दिया तो ले जाने में वापस कितना काम करना पड़ेगा? कैपिटल जी एम एम अपॉन आर। बट भैया ये काम कैसे करोगे? अब पोटेंशियल तो बदलना हमारे बस की बात नहीं है, हम तो फेंक ही सकते हैं अर्थ में बैठ के, बोलो हाँ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हम क्या देंगे? काइनेटिक एनर्जी। क्या देंगे? हाँ। सो दिस वर्क रिक्वायर्ड टू बी प्रोजेक्ट द बॉडी सो एज टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल। दिस वर्क प्रोवाइड एन इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, है ना, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहीं पर इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर देंगे। तो एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। बाकी सब आप जानते ही हैं कैसे हो चुका है। और आंसर आ गया कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए तो अभी आपने जो डेरिवेशन निकाला है वी एस्केप का, क्या निकाला? वी एस्केप इक्वल टू अंडर रूट 2GRE, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए कि ये जो है, आप देखिए एस्केप वेलोसिटी जो होती है, जो मास होता है जिसको आप फेंक रहे हो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। देख लो क्यों, क्योंकि मास यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। ये देखो स्मॉल एम यहाँ पे क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। तो चाहे आप हाथी फेंको, चाहे सुई फेंको, चाहे पत्थर फेंको, आपको सेम वेलोसिटी लगेगी, समझ गए ना, क्योंकि दोनों के स्मॉल मास क्या हो चुके हैं? कैंसिल, समझ गए ना। इसलिए हाथी फेंको या पत्थर फेंको, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। ये सोच के नहीं फेंकना पड़ेगा कि एक भारी है तो जोर से फेंकना पड़ेगा, समझ में आ गया ना, ठीक ना। तो मतलब तुम सोच के हंस रहे हो कि क्लास का मोटा लड़का जाए या पतला दुबला सा लड़का जाए, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। सो एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन। कहीं से भी फेंको भाई साहब, वो बाहर जाएगा ही, समझ गए ना, क्योंकि हर तरफ स्पेस है। एटमॉस्फियर ऑन मून इज एब्सेंट बिकॉज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। ये एक बढ़िया फंडा है, एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि एटमॉस्फियर मून का प्रेजेंट क्यों नहीं है। देखा आपने कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है, जिसको आप फेंक रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करती, उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जो मेनली आपका फॉर्मूला आया था एस्केप वेलोसिटी का, वो आया था एंड यहाँ पे आया था ना, देखिए क्या गया था, क्या गया था, यहाँ पे आया था, ये देखिए, ये मेन फार्मूला है, ये तो हमने आगे इसको बनाया था, ये द मेन फार्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू टू, है ना, जी एम अपॉन आर ई। क्लियर हो गया। तो यदि देखा जाए, इसको मैं यहीं पर अंडर रूट ले लूँ, सो अंडर रूट 2g कैपिटल m अपॉन कितना r e। तो ये उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है जिस पर, जिससे आप फेंक रहे हो, ठीक है ना, उस प्लैनेट से, और उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है जिससे आप फेंक रहे हो, मगर जिसको फेंक रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया ना। और इसको सॉल्व करके फिर अपने पास ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो ज़्यादातर फार्मूला यही वाला लगेगा, ओके। तो यदि आपको ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की फॉर्म में बोला जाए क्वेश्चन, तो भैया ये लगाना। और अगर क्वेश्चन मास के फॉर्म में आ जाए तो वी ई इज इक्वल टू क्या है, बोलो, 2GM/RE। ये लगाना अगर मास के बारे में बोला जाए प्लैनेट के, ठीक है ना, और यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के बारे में बोला जाए तो ये लगाना। बोलो क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? चलिए, सो अब ये, हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं। मून क्या हो गया? मून के लिए, हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि एटमोसफियर ऑन द मून इज एबसेंट, मून का एटमॉस्फियर क्यों नहीं है, मून पे एटमॉस्फियर क्यों नहीं है। अब देखिए भैया, ये मून है, अगर मून पे एटमॉस्फियर होता, है ना, मून की कुछ एस्केप वेलोसिटी है, मून की कुछ क्या है? एस्केप वेलोसिटी। अब मुझे पता नहीं है मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी, फिर भी मैं मान लेता हूं ऐसे कुछ, मान लो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। ये मून के सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी है। और जो एटमॉस्फेरिक में गैसें होती ना, गैसों की मैं आपको वेलोसिटी निकलवा करके दिखाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या पढ़ाऊंगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि जो गैसों की एस्केप वेलोसिटी, गैसों की जो मोशन होता है, गैसों की जो वेलोसिटी होती है, वो होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप मान लीजिए कि गैसों की जो नॉर्मल वेलोसिटी है जिस पे गैसेस चलती हैं, वो क्या है? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर गैस क्यों चलती है, तो बेटा गैस की जो वेलोसिटी होती है ना, वो पूरी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पर करती है? जो टेम्परेचर है, इस वजह से गैसेस चलती हैं। तो गैसेस के चलने की वेलोसिटी जो होती है, वो होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। और मून का नॉर्मल जो एटमॉस्फियर जो होता है, वहां पर जो एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 8 किलोमीटर पर
सेकेंड मतलब एस्केप करने के लिए चाहिए है 8, और ऑलरेडी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उनकी वेलोसिटी है, सॉरी एनर्जी नहीं वेलोसिटी कितनी है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ है ना। मतलब आपकी जो नॉर्मल मूविंग मूवमेंट है वो एस्केप से भी क्या है, ज़्यादा है, तो आप रह पाओगे क्या? ऑलरेडी क्या कर जाओगे, एस्केप कर जाओगे। तो यही रीजन है कि एटमॉस्फेयर ऑन द मून इज एब्सेंट बिकॉज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस, जो गैस की वेलोसिटी होती है उसका नाम होता है आरएमएस वेलोसिटी। क्या होता है? आरएमएस, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस होती है, वो क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी। किससे बड़ी होती है? एस्केप वेलोसिटी से। किससे बड़ी होती है? तो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हुआ करती है आरएमएस वेलोसिटी। इस वजह से मून से गैसेस जो होती हैं पलायन कर जाती हैं। आई बात समझ में ना, क्लियर हो गया जी भाई, आ गया। चलिए अब अगली बात करते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ सिलेबस में है कि हट गया है? है ना। चलिए तो केपलर्स लॉ की बात करते हैं। साइंटिस्ट जोहानस केपलर है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने लॉ दिए थे उस जमाने में, जबकि न्यूटन ने डिस्कवरी नहीं की थी उस समय, इन्होंने बता दिया था है ना कि, मतलब जब जिस समय पर कुछ भी नहीं था, मतलब अपने इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बना करके सारा का सारा बता दिया था कि इस तरीके की ऑर्बिट होगी। देखिए क्या क्या बताया था। ओके, तो केपलर्स की मैं बात कर रहा था कि केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन में सबसे पहला लॉ है केपलर ने दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट का। तो ऑर्बिट के बारे में बताया कि अर्थ की ऑर्बिट कैसी है, अर्थ की ऑर्बिट कैसी है। आप लोग से सबसे मैं पूछता हूं, अर्थ कैसे चक्कर लगा रही? तो बहुत लोगों को पता है कि सन बीच में बैठा हुआ है और अर्थ जो है स्फेरिकल फॉर्म में चक्कर लगा रही है इस तरीके से, या सुनो ऐसा लगता ना आप लोग को कि इस तरीके से, तो जानकारी गलत है। एक्चुअली जो शेल है चक्कर लगाने की, अर्थ की ऑर्बिट है वो कैसी है, एलिप्टिकल है। क्या है वो? और सन की दो पोजीशन है, सन की क्या है, दो पोजीशन। एक पोजीशन या तो S1 होती है या तो S2 होती है, मतलब सन आइदर यहाँ पाया जाएगा या यहाँ पाया जाएगा, समझ गए ना। इन दो पोजीशन को बोलते हैं हम इनकी फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस। और दो फोकस हैं तो फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, क्या होता है, फोकाई। तो मतलब दो फोकस हैं। तो ये मैं पहला लॉ पढ़ रहा हूं, द लॉ ऑफ ऑर्बिट, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। हर प्लैनेट जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, किस में मूव करेगा, इलेप्टिकल ऑर्बिट में, विद द सन एट वन ऑफ द फोकस, जिसमें कि सन किसी एक फोकस में बैठा होगा। समझ में आ गया। अब एलिप्स क्या होता है, एलिप्स आप बस इतना जान लो कि एलिप्स एक ज्योमेट्री टाइप की हुआ करती है ना, ओवल शेप टाइप का समथिंग समथिंग हुआ करता है, ये एलिप्स हुआ करता है, ठीक ना, है ना। इसमें दो एक्सेस होती हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। तो ये जो बड़ी वाली, इसको बोलते हैं अपन मेजर एक्सेस, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सेस। और ये जो छोटी वाली होती है इसको बोलते हैं माइनर एक्सेस, ठीक ना। बाकी पढ़ाई इसकी मैथ्स वाले करेंगे, एलिप्स की आपको बस इतना जानना है कि ये एक शेप होती है एलिप्स। व्हेन अ पार्टिकल मूव विद रिस्पेक्ट टू द टू फिक्स पॉइंट इन सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल एलिप्स, द टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोकस। ये मैथ्स वालों के लिए डेफिनेशन है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, एलिप्स होता क्या है, ठीक है। अब आइए आता हूं सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। और लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया कहता है कि जब कोई प्लैनेट आपका मूव करता है, प्लैनेट के मोशन को हम बोलते हैं प्लैनेटरी मोशन, ठीक ना। ये आपकी सर्फ, ये सन है, जैसे मान लो ये S1 है, ठीक ना, और ये प्लैनेट मूव कर रहा है। तो प्लैनेट मूव कर रहा है तो ये कहा जाता है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब जो एक तरीके से जो एरिया झाड़ू लगाएगा एक फिक्स टाइम में वो कांस्टेंट होगा। चलिए से मान लो कि ये 5 दिन है, ये 5 दिन है, ये मान लो ये प्लैनेट है अपना अर्थ है, ये 5 दिन में यहाँ से यहाँ आ गई, बोलो हाँ है ना। तो सन के रिस्पेक्ट में इसने कितनी झाड़ू लगाई, एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया कवर्ड इन गिवन टाइम, 5 दिन में इसने इतनी स्वीप करा, स्वीप करना मतलब झाड़ू लगाना, मैंने बोल दिया आपको समझ में आ जाए, इसलिए स्वीप हुआ कि नहीं हुआ, इतना एरिया स्वीप हुआ कि नहीं हुआ। इस एरिया की मैं वैल्यू मान लेता हूँ, मान लो ये एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, कितना है, हालांकि 20 मीटर स्क्वायर होगा नहीं भाई साहब, ये ब्रह्मांड की घटना है जो कई किलोमीटर हजारों किलोमीटर स्क्वायर में होंगी, मगर समझने के लिए मैंने मान लिया कितना 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये प्लैनेट चलते 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 ये कितने दिन में हुआ, 5 दिन में, कितने दिन में, अब प्लैनेट यहाँ से आया, अब 5 दिन यहां ट्रेवल करेगा, यस और नो। तो 5 दिन में इधर भी ये 20 मीटर स्क्वायर ही बनाएगा, कितना बनाएगा, 20 मीटर स्क्वायर, मतलब कहीं भी 5 दिन का एरिया ले लो, अगर इधर पे 20 तो यहां भी 20, तो यदि ये यहां से यहां 5 दिन में आएगा, ये देखिए 5 डेज, ठीक है ना। तो ये देखिए जो एरिया बनाएगा ये भी कितना होगा, 20 ही होगा, कितना होगा,
20 मीटर स्क्वायर ही होगा। तो आपने जानबूझ करके मैंने इस वाले हिस्से को बड़ा लिया, क्या लिया, बड़ा, जिससे कि इसको कवर कर पाए। इस ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर तो ये प्लैनेट स्लो चलेगा, क्या चलेगा, स्लो, बट जैसे ही अर्थ के सन के पास आएगा वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आई बस समझना, तो प्लैनेट किस तरीके से मूव होता है, सन के पास तेज होएगा, समझ में आया, इस तरीके से क्लियर हो गया। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वही थ्योरम लग जाएगा, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। बोलिए सोनो, देखिए आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, क्या होता है, एम वन आर वन स्क्वायर। जब रेडियस ज्यादा है, ये देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम, ओमेगा क्या हो जाएगा, कम, ये सोनो। और जब रेडियस कम हो गई, एम टू आर टू स्क्वायर, सेकेंड केस में देखिए यहां पर आने पर, ये सेकेंड केस में यहां पर आ गया है, तो रेडियस क्या हो गई, कम, तो ओमेगा क्या हो जाएगा भाई साहब, बढ़ जाएगा, इसलिए यहां पे तेज हो जाता है और यहां पर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। समझ में आ गया ना, तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहता है, L1 इक्वल टू कितना, L2। समझ में आ गया, तो ये जो घटना है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुकूल है, क्लियर हो गया। सो द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट, लाइन ज्वाइनिंग द सन, भाई साहब ये सन है, बोलो हाँ, टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने बताया यहां भी पांच दिन और यहां भी पांच दिन, फाइव डेज, यानी इक्वल टाइम में, इक्वल एरिया, इक्वल टाइम में स्वीप करेगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्लैनेट विल मूव स्लोली, यहां पर क्या होगा, जब दूर होगा तो कैसा मूव करेगा, स्लोली, और जब पास में होगा तो कैसा मूव करेगा, फास्ट। तो प्लैनेट मूव स्लोली व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड मूव रैपिडली व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन। जब तुम सन के पास में आओगे तो बहुत तेजी से मूव करेगा, जब सन से दूर जाएगा तो स्लो स्लो मूव करेगा। बोलो क्लियर हुआ, एनी प्रॉब्लम। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ आर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, देखो कैसे निकालते हैं। हाँ देखिए, एरिया कवर्ड निकालना है, एक छोटा सा एरिया ले लिया मैंने इसको डी ए, एरिया कवर्ड प्लैनेट इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसको मैंने डी ए मान लिया, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो देखिए वेलोसिटी वी है और टाइम कितना है, डी टी है, यस नो। तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना, टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डी टी, बोलो हाँ। तो ये बेस कितना बन जाएगा, वी डी टी, वी डी टी बन गया, इंटू हाइट, भाई हाइट क्या, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, हाइट कितनी बनेगी, रेडियस ही बनेगी, इंटू कितना, आर, क्लियर के नॉट क्लियर। सो वी डी टी इंटू आर, तो एरिया के नीचे इसको डी टी को ले आइए, तो डी ए बाई डी टी क्या बन गया, एरियल वेलोसिटी क्या बन गया, इक्वल टू वन अपॉन टू आर इंटू वी। तो भाई साहब आर भी कॉन्स्टेंट है और वी भी कॉन्स्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, मतलब एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। क्लियर हो गया, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। So R into V constant हो जाने से, hence the aerial speed of a planet is always constant। ये देखिए ये होती है aerial speed जो होती है, मतलब area sweep करने की जो rate होती है उसको हम क्या बोलते हैं, constant बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से एक और मस्त बात आ जाती है, क्योंकि हाफ आर वी कॉन्स्टेंट आ चुका है, तो हाफ आर वी कॉन्स्टेंट आने से एम वी आर वी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एम आर वी, देखिए कैसे, देखिए एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मैंने पढ़ाया था, एम वी आर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, एम वी आर। और अभी आपने देखा कि हाफ आर वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, बोलिए सनो, तो आर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई बाई टू, और कॉन्स्टेंट इन टू कॉन्स्टेंट क्या होता है भाई साहब, कॉन्स्टेंट ही तो होता है, ये सनो। तो एल इक्वल टू मास क्या होता है किसी प्लैनेट का, कॉन्स्टेंट होता है कि नहीं होता है, तो ये भी कॉन्स्टेंट, और वी इन टू आर भी क्या आ चुका है, बोलो कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट इन टू कॉन्स्टेंट क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, मतलब एंगुलर मोमेंट, एल क्या होता है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, मतलब प्लैनेटरी मोशन में जो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है, ठीक है ना। तो बस यही लगा देंगे हम, एल ए पोजीशन है, एल ए एल बी, एल ए एल बी, एम वी आर, एम वी आर, तो देखो बेटा दो एल ए एल बी दो पोजीशन का है, तो एम ए वी ए आर ए, थोड़ा चेंज कर लो भाई सब कलर, ये लीजिए। अगर यदि आप बात करते हैं दो पोजीशन की, तो एम ए वी ए और आर ए दो पोजीशन, यहाँ पे एम बी वी बी और आर कितना बेटा, बी, क्लियर। तो मास तो दोनों जगह सेम है ना प्लैनेट के, हाँ या ना, क्लियर हुआ। तो मतलब क्या हो गया, वी ए आर ए इक्वल टू वी बी आर बी, हाँ या ना। अब देखिए जब मान लीजिए पोजीशन ए है, ये क्या है, पोजीशन ए है, तो यदि रेडियस कम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाँ या ना।
और ये रेडियस आर बी है, क्या है ये रेडियस, और रेडियस बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही लिखा है, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम तो आर मिनिमम और वेलोसिटी मिनिमम तो आर मैक्सिमम, यही तो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब आइए जो थर्ड और आखिरी लॉ की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड समय का नियम है ना, समय का नियम, इसमें समय बताया गया इस लॉ से, तो इसको समय का नियम बोलते हैं। तो समय का नियम क्या बोलता है, इसको रट लो है ना। मैंने पहला कुत्ता पाला, उसका नाम था T2। क्या नाम था? T2। तो समय का नियम कहता है कि टी का जो स्क्वायर होता है, T2 जो होता है, वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल मतलब किसी प्लैनेट को रिवॉल्व करने में लगा समय, प्लैनेट को रिवॉल्व करने में लगा समय, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थर्ड पावर के, किसके थर्ड पावर के, भाई किसकी थर्ड पावर, रेडियस के, किसकी, रेडियस के थर्ड पावर। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे रेडियस निकाल लेंगे, इसमें तो एक एक्सिस छोटा एक एक्सिस बड़ा है, हाँ है ना। तो यहाँ पे जो हम रेडियस निकालते हैं बेटा, वो होती है मीन रेडियस। क्या होती है? मीन रेडियस। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे जो हम रेडियस निकालते हैं वो क्या होती है? मीन रेडियस। तो आइए देखिए मीन रेडियस निकालने का तरीका, मैक्सिमम रेडियस अपॉन मिनिमम रेडियस का एवरेज। क्या एवरेज? आई बात समझ में? तो आइए लॉ को मैं पढ़ देता हूं। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन आर ऑफ एनी सॉरी रेवोल्यूशन टी ऑफ एनी प्लैनेट ऑफ द अबाउट द अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। अरे ये काय को सेमी मेजर एक्सिस, मीन रेडियस क्या लिखोगे? मीन रेडियस, मीन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। समझ गए? तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। कुत्ते का नाम तो भूलेगा नहीं, T2। क्या नाम है? T2, T के ऊपर 2 लग गया, T2 इज प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब। क्लियर हो गया? सो T2 प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब, T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे K आ गया है, K को कहते हैं केपलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? केपलर कांस्टेंट। K की वैल्यू ये होती है, बट आपको याद नहीं रखना, केवल आपको लॉ तक याद रखना है, बस यहाँ तक। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? तो बच्चों यहाँ तक हमारा प्लैनेटरी मोशन खत्म हो चुका है, अब आता है सैटेलाइट मोशन। क्या आता है? बड़ा इंटरटेनिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब हम निकालेंगे सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, की सैटेलाइट किस वेलोसिटी से चलते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला डेरिवेशन हम करते हैं सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, समझेंगे क्या फिनोमेनन होती है सैटेलाइट को घूमने में। तो हम अर्थ की ऑर्बिट को स्फेरिकल मानते हैं, क्या मानते हैं अर्थ की ऑर्बिट को? स्फेरिकल, सॉरी सैटेलाइट की ऑर्बिट को, अर्थ की ऑर्बिट तो छोड़ चुके हैं हम, अब सैटेलाइट की ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ये अपनी बैठी हुई है अर्थ भाई साहब, ME, बोलिए हाँ। मास ऑफ अर्थ है, इसकी रेडियस यहां तक आर ऑफ अर्थ होगी, इसके ऊपर एच हाइट पर एक सैटेलाइट यहां पर उड़ रहा है। सैटेलाइट उड़ता नहीं है यार, सैटेलाइट एक्चुअली घूमता रहता है। क्या करता रहता है? घूमता रहता है, उसके पंख नहीं होते, और वैक्यूम में पंख किसी काम के नहीं होंगे, हाँ है ना, क्योंकि हवा ही नहीं होती तो रिएक्शन कहाँ से मिलेगा। क्लियर हो गया ना? सो सैटेलाइट जो होता है वहाँ पे तैरता रहता है ना, हाँ, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व करता रहता है। तो ये है, आपको निकालना है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, पक्की बात। तो भैया इसको घुमाने के लिए जरूरी है कोई इसकी टाई पकड़ के खींचे, कोई इसकी टाई पकड़ के खींचे, तभी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो टाई पकड़ के खींचने की जिम्मेदार कौन है? अर्थ, हाँ है ना। तो अर्थ जो है एक वेलोसिटी देगी और साथ ही साथ टाई पकड़ के खींचेगी, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी ना देती तो ये ऊपर आके गिर जाता, हाँ है ना। तो वेलोसिटी देना पड़ेगा तभी घूमेगा, हाँ है ना, और टाई पकड़ के खींचना भी पड़ेगा। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, FG, क्या लगेगा? FG, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या दे देगा इसको? सेंट्रिपेटल फोर्स, मतलब FG किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FC में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है भाई? G, बोलो हाँ, कैपिटल ME, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, GMEM अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। स्मॉल r इसलिए क्योंकि भैया अर्थ कहाँ, मून कहाँ पर घूम रहा, मून नहीं है, सेटेलाइट है यार, मैं मून पे आ जाता हूँ। हालांकि मून के लिए भी कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि मून जो है वो भी अपना सेटेलाइट है कि नहीं है। तो मून के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट अभी फिलहाल नहीं करूँगा मैं, अभी मैं तो सेटेलाइट ये लीजिए स्मॉल m, बोलो यस नो। तो ये हो गया इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स मैंने आपको पढ़ा रखा, बोलो स्मॉल m, बोलिए हाँ। वी कौन सा? ऑर्बिटल अपॉन रेडियस कितनी? आर। एक आर से एक आर क्या हो गया? लियो। मास ऑफ सैटेलाइट क्या हो गया? कैंसिल, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करेगी, हाँ है ना। तो चाहे छोटा सा खिलौना भेज दो या हाथी के बराबर सैटेलाइट भेज दो, सेम वेलोसिटी से तैरेगा, यस कि नो।
तो वी जीरो का स्क्वायर इक्वल टू बोलो कितना, कैपिटल जी एम ई अपॉन स्मॉल कितना आर, आ गया जी समझ में। तो वी जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन कितना आर, कोई दिक्कत, ओहो हो हो स्मॉल आर, क्या होगा स्मॉल आर। तो वी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया बोलो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन कितना स्मॉल आर। आप यहां पर ये आ चुकी हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, देख लेते हैं मिलान कर लेते हैं, बिल्कुल सही आई है कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन स्मॉल आर, एनी प्रॉब्लम। आप जानते हैं जो स्मॉल आर होता है अर्थ के सेंटर से लेकर के सेटेलाइट तक की दूरी है स्मॉल आर, ये अर्थ बैठी हुई है, स्मॉल आर इक्वल टू होता है आर प्लस एच, क्या होता है आर प्लस एच। तो वी ऑर्बिटल इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कैपिटल जी एम ई अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर आप 315 किलोमीटर भी जाते हो, कितने किलोमीटर 320 था याद आया, 320 किलोमीटर भी ऊपर जाते हो तो ये अर्थ की रेडियस का कितने परसेंट है 5%, कितने परसेंट है 5%। और भाई 5% दूरी कोई मायने नहीं रखती है, कोई दूरी मायने नहीं रखती है। हमारा स्पेस स्टेशन ही आई थिंक 175 कुछ किलोमीटर पे आसपास है ना, देख लेना यार, ऐसे 300 से कम ही है ना, चलो देख लेते हैं इसी बात पे। ओके, तो मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता करी है कि जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो 400 किलोमीटर पे है, ठीक है ना। बट फिर भी यदि आप कोई 320 किलोमीटर के पहले आप यदि किसी को ऑर्बिट कर रहे हो, जो कि सैटेलाइट हुआ करते हैं और कम डिस्टेंस पे भी ऑर्बिट होते हैं, ठीक है ना, तो उस पर मतलब 5% से कम है, तो आप क्या मान सकते हो कि R प्लस H इज नियर अबाउट टू R, जो नियरेस्ट सैटेलाइट होते हैं, बोलिए हाँ है ना, तो आप क्या मान सकते हो R प्लस H इज नियर अबाउट आर, क्योंकि एक भाई 6400 किलोमीटर और एक आपने मान लो कोई 100 किलोमीटर पे छोड़ रखा है तो उसके सामने कुछ नहीं लगेगा ना, तो R प्लस एच इज नियरेस्ट टू R, तो भाई फिर क्या होने वाला है, देखिए नियर सैटेलाइट्स के लिए आपकी ऑर्बिटल स्पीड आने वाली है, ऑर्बिट स्पीड इक्वल्स टू जी कैपिटल एम ई ओके अपॉन R प्लस एच को आपको क्या ने ले लिया आपने स्मॉल R, यस ऑर नो। अब आपको पता है कि G इक्वल्स टू कितना होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन R का स्क्वायर, तो एक R इधर चला जाएगा ना, तो स्मॉल G और कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओए G कैपिटल एम ई अपॉन R होगा कि नहीं होगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं V ऑर्बिटल इक्वल टू अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे स्मॉल आर के लिए और ये आती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, कितनी आती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। याद है आपको वेलोसिटी आई थी एस्केप वेलोसिटी आई थी अंडर रूट टू जी आर, याद है अंडर रूट टू जी आर आई थी, सॉरी ये कैपिटल आर है, ओके एस्केप वेलोसिटी आई थी अंडर रूट टू जी आर, और ये आ रही ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रही किसकी अंडर रूट जी आर। बट याद रखना ये पास वालों के लिए है, दूर वालों के लिए नहीं, क्योंकि आपने एक स्पेशल केस लगा रखा है यहाँ पे, आर प्लस एच इज नियर अबाउट टू कैपिटल आर, याद आ गया, पक्की बात है। और ये सॉल्व करने पर आती कितना 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और वो क्या थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दावे के साथ कह सकते हो कि भैया जो एस्केप वेलोसिटी है वो रूट टू टाइम्स है किसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की, किसकी है कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी यार तुम लोगों ने कितनी निकाली अंडर रूट टू जी आर, बोलो हाँ यस और नो। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली है, अरे यार बार बार कैपिटल आर, हाँ, और जो ऑर्बिटल कैपिटल वेलोसिटी निकाली है वो कितनी निकाली है अंडर रूट जी आर, तो ध्यान से देखो ना ये रूट टू टाइम्स ही तो हुई, तो फिर से मैं बोलूंगा एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो कोई दे देता है रेशियो वी ई अपॉन वी ओ, बोलो कितना आएगा अंडर रूट टू, कोई पलट करके दे देता है वी ओ अपॉन वी ई, तो कितना आएगा 1/√2, बोलो आ गया समझ में, बढ़िया से क्लियर एकदम। तो भाई ये हो गई हमारी एस्केप वेलोसिटी, ये सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने आपको बता दी है। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑर्बिटिंग बॉडी, मैंने बता दिया आपको, किसी को भी घुमाना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, ये देखा था आपने जी एम अपॉन आ रहा था, तो मतलब किस पे डिपेंड करती, मास ऑफ द प्लैनेट पे, इसकी रेडियस पे, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। स्मॉल जी पे भी डिपेंड करती है और मास ऑफ द प्लैनेट डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। और वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर, एक मिनट हाँ, फॉर अ गिवन प्लैनेट वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर, ये वाली बात देखिए, ये वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट
आर, समझ गए? मतलब जितनी डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब मजे की बात है भाई कि जितना अर्थ के सरफेस के पास में प्लैनेट रहेगा उतना जोर जोर से चलेगा, और जितना दूर रहेगा उतना स्लो चलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? ये फार्मूला आपने बनाया ना, ये देखिए सबसे ऊपर जो आपने बनाया था, ये वाला फार्मूला बनाया था कि नहीं बनाया था? तो यहां से देखिए क्या है, वी जीरो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, अंडर रूट आर। तो अगर आर कम होगा तो वी जीरो क्या होगा, ज्यादा। मतलब जो ऑर्बिट्स अर्थ के पास में होगा, रेडियस कम होगी, वो जोर जोर से घूम चलेगा, बोलो हाँ ना, और जो दूर होगा वो स्लो चलेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगी तो वी जीरो कम हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर, जोर से बोलो, आ गया ना? ठीक है, गुड गुड गुड। चलिए भाई, तो ये हो चुका है। अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड, क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द सेटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ द सेटेलाइट, कौन, अर्थ के पास वालों का, अर्थ के पास वालों का, अर्थ के पास वालों का सेटेलाइट का टाइम पीरियड हम निकालते हैं, क्योंकि अर्थ के पास वालों की हमने वेलोसिटी निकाल ली है, है ना? अर्थ के पास वालों की वेलोसिटी हमने कितनी निकाली है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ये देखिए अंडर रूट जी एम अपॉन आर को सॉल्व करके अंडर रूट जी आर, ठीक ना? तो दोनों की निकाल लेते हैं, खैर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए निकालते हैं हम लोग टाइम पीरियड ऑफ द सेटेलाइट। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। चलिए भाई साहब, तो टाइम पीरियड मतलब एक पूरे चक्कर को लगाने में लगा समय। तो ये है स्पीड इसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ, जिसको आपने निकाला है अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। क्लियर है? और टाइम पीरियड तो आपको पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पूरा चक्कर लगाने पे कितनी डिस्टेंस लगेगी, 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितनी है, वी ऑर्बिट, बोलिए यस और नो। सो यहाँ पे है 2 पाई, यहाँ पे है 2 पाई के साथ आर, और वी नॉट की वैल्यू मैं रख देता हूँ अंडर रूट जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। तो स्मॉल आर रूट के साथ पलट करके ऊपर आ जाएगा, आ गया है कि नहीं है, स्मॉल आर रूट के साथ पलट करके ऊपर आ गया। तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है 2 पाई आर अपॉन जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं डिजाइन करके लिखूंगा। देखिए 2 पाई क्या मैं इसको लिखूंगा, देखिए रूट आर को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट आर का स्क्वायर लिख सकता हूं इस वाले आर को, और एक रूट और आके भिड़ गया तो कितना हो गया, अंडर रूट आर का क्यूब अपॉन कितना भाई साहब, जी एम का रूट है कि नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई कंप्लीट रूट कर दूँ स्मॉल आर, यहाँ पे क्यूब हो गया और यहाँ पे कितना हो गया जी एम, ठीक है ना? तो 2 पाई आर क्यूब बाई जी एम, ये देखिए बन गया है जी एम। और जी एम को हम लोग क्या लिखते हैं, याद है आपको स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो जी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल जी आर का स्क्वायर। तो वैल्यू पलट दो तो 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम की जगह कितना हो जाएगा, जी आर का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये हो गया टाइम पीरियड। जरा ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल आर है और ये क्या है, कैपिटल आर। अब हम बात करते हैं कि जो प्लैनेट अर्थ के पास मूव, प्लैनेट क्यों बोल गया भाई मैं, सैटेलाइट, जो सैटेलाइट कहां मूव करते हैं, अर्थ के पास में। तो जो सेटेलाइट अर्थ के पास में मूव करते हैं उनके लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या होता है, इक्वल। मैंने बताया था स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच होता है, और एच भैया ना के बराबर, तो हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर, यस और नो। तो मैं निकालता हूं पास वाले, पास वाले, पास वाले मतलब टी नियर, टी नियर के लिए मैं निकालूंगा तो 2 पाई लगेगा। स्मॉल आर की जगह क्या लगाऊं भाई, स्मॉल आर की जगह मैं लगाऊंगा कैपिटल आर, तो ऊपर आर का क्यूब, बोलो हाँ, और नीचे क्या हो जाएगा, जी आर का स्क्वायर। तो भैया कैंसिल हो गया, हाँ है ना? तो क्या आ गया आंसर, 2 पाई ऊपर क्या बचा, कैपिटल आर, और नीचे क्या बचा, जी। क्लियर है? और इसको सॉल्व कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड, कितने मिनट आएगा भाई साहब, 80 85 100 कितने मिनट, 84.6 मिनट, कितना आता है, 84.6 मिनट। तो नियर बाई सेटेलाइट के लिए जैसे ही आप आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल पुट करते हो तो आंसर आ जाता है 84.6 मिनट। क्लियर हो गया? मतलब नियर अबाउट एक घंटे और 1.4 आवर, कितना हो गया, 1.4 आवर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो ये 1.4 आवर होता है एक सेटेलाइट का चक्कर, मतलब लगभग हर एक घंटे 20 मिनट के बाद में, सॉरी एक घंटे हो गया और 24 मिनट, एक घंटे 24 मिनट के बाद में एक चक्कर लगा लेगी। आई बात समझ में ना, एक घंटे 24 मिनट में एक चक्कर लगा लेगी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, आ गई बात समझ में? अब निकालते हैं टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट। तो दो एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपने देख ली थी हाफ एम वी
ए स्क्वायर, याद आया? और काइनेटिक एनर्जी जब मैंने आपको बताया था हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हो, चलो निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर यदि मैं यहीं पर निकाल देता हूँ, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ, यस और नो, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर। आपको पता होगा अभी अभी मैंने आपको रिलेट कराया था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, याद है कि नहीं याद है? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स, आया ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर से आर क्या हो गया कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना, तो भैया मैं पुट कर देता हूँ, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना आर, मजा आ गया। मतलब टोटल एनर्जी इक्वल टू, सॉरी ये काइनेटिक है ना, पहले काइनेटिक है और प्लस कौन सी पोटेंशियल, तो अभी तक मैंने काइनेटिक ही निकाली है ना, तो ये काइनेटिक कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लो भाई काइनेटिक है, तो काइनेटिक इक्वल टू कितनी आ गई बोलो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना टू आर, ओके, तो काइनेटिक निकाल ली, खुशी की बात है, ये काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, बोलो कितनी आती है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना टू आर, और भैया पोटेंशियल एनर्जी तो निकाले बैठे हो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना आर, इसको कैसे भूल गए, होती है कि नहीं होती है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बोलो यस कि नो, तो काइनेटिक इक्वल टू कितनी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर, और पोटेंशियल नेगेटिव में है, वो भी नेगेटिव में है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना आर, हाँ या ना, एक बार इस नजर से देखो, बोलो कौन बड़ा दिख रहा तुम्हें मैग्नीट्यूड वाइज, ये बड़ा है कि ये बड़ा है भाई, ये बड़ा है, ये देखो इसमें आर है, इसमें टू आर हाफ में है, मतलब आधा है, तो ये पूरा है और ये क्या है आधा है, तो माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो पूरे में से आधे को माइनस करोगे तो क्या आएगा आधा ही तो आएगा, तो कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना टू आर, और वो भी क्या आएगा नेगेटिव, यस और नो, सो टोटल एनर्जी आ गई कितनी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर, समझ में आया, तो टोटल एनर्जी जरूर जोड़ दी, मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार, लो भैया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना आर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना टू आर, और टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना टू आर, समझ रहे हो, मतलब क्या हो रहा है कि जो टोटल एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है, देख लो अच्छे से, ये टोटल है, ये काइनेटिक का क्या है नेगेटिव है, और एक और बात, जो टोटल एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी का डबल है, देख लो ध्यान से, है ना, ना 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 आधी है, क्या है हाफ है, क्या है हाफ है, देखो 1/2 आ गया, यस और नो, या ये कह लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का क्या है डबल है, क्लियर हो गया, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं, अब आइए डेरिवेशन पे, सब कुछ करा दिया मैंने भैया, लो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ये सब कुछ मैंने करा दिया है, है ना, अब इसने एल के फॉर्म में लग दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो आप कर सकते हो खुद से, तो अब हम पढ़ाएंगे आपको लास्ट टॉपिक है इसका, बाइंडिंग एनर्जी, क्या पढ़ाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना, तो देखो भैया आपका जो किसी पोजिशन पर सैटेलाइट है वो कितनी एनर्जी बंधा हुआ है, ई एनर्जी से, कितनी एनर्जी बंधा हुआ है ई से, और ई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना टू आर, ये देखो ये निकाली आपने, आई की नहीं आई, ये टोटल एनर्जी ई से, ई नहीं मैंने टी नहीं टी ई दे दिया था, टी ई, ये लो भाई टी ई से बंधा हुआ है, अगर मैं इसको मुक्त करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, तो मुक्त यानी कि इसकी एनर्जी जीरो करना चाहता हूँ, तो मुझे इतनी ही एनर्जी इसको प्लस में देनी पड़ेगी, बोलिए यस की नो, देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, तो यही केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है भाई, कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे दी जाए कि अपनी शेल से निकल करके चला जाए बाहर, हाँ या ना, तो आपके पास इतनी एनर्जी है तो इतनी एनर्जी दोगे कि नहीं दोगे, तो ये एनर्जी जो उसको मुक्त कर दे उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्या बोलते हैं, तो ये भैया कितनी होगी, जी एम एम अपॉन कितना टू आर, तो ये कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब, देखिए जी एम एम अपॉन टू आर, जितनी थी जितनी की गुलामी चल रही थी उतनी दे दी, बोली हाँ या ना, तुम्हारा ऊपर कर्ज था भाई साहब 20 रुपये का, तो -20 पे थे, हाँ या ना, मैंने चर्चा करी आ करके यार इसके चंगुल से निकलना है, बोले 20 रुपये दे दो मैं पटा दूंगा निकल जाऊंगा, तो मैंने तुमको 20 भरवा दिए उतने के प्लस, यस और नो, तो भाई साहब ये हुई हमारी
कहानी यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट की सैटेलाइट एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कैसे जाता है और एनर्जी कैसे चेंज होती है। फिर हाइट ऑफ द सैटेलाइट, वेटलेसनेस ऑफ द सैटेलाइट आएगा। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो अर्थ के ऊपर घूमते रहते हैं और आपके आज के मौसम की हालचाल ऐसे बताया जाता है ना टीवी में, तो ये सब बताया करते हैं कि मौसम ये होगा, यहाँ ओले पड़ेंगे, यहाँ बारिश होगी, यहाँ सूखा रहेगा। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं वो देखते हैं, इंडिया का हाल ही देखेंगे तो इंडिया का मौसम बताएंगे, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू आज की क्लास के लिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जितना मैंने पढ़ा दिया इसका मस्त तरीके से लेक्चर आप रिवाइज करना, इसको आज का आज ही पढ़ लेना, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। समझ में आ गया ना, जो मैंने आज बताया आप इसको आज का आज इस वाली शीट से कंप्लीट कर लेना, शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।